Polo, Polo, स्वीट पोलो, क्या चाहिए स्वीटू? ओए क्यूट क्यूट बेबी, आओ क्यूट बेबी, ओ पौरा बच्चा, वे मीठा बच्चा, क्या कर रहे हो? ये जी अपालो है, इससे घर में इतनी रौनक लगती है ना। ओए जी डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक लंच पे लेके जा रही हूँ, और जनाब ये लंच है एक न्यूलीवेड कपल के एजाज में। और इस लंच में आप देखिए, यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी किस तरह प्यार मोहब्बत से रहती है, और किस तरह इनका आपस में ऐसे मेल जोल है कि कोई शायद मेरा ख्याल ब्लड रिलेशंस में भी ना हो। तो जब हम तैयार होते हैं ना, कहीं भी पाकिस्तान में भी जाने लगते हैं, तो खालिद हमेशा एक तस्वीर बनवाते हैं। वहाँ पे हमारा ड्राइवर या कुक जो है वो फोटोग्राफर होता है, और वो जनाब जाने से पहले कहते हैं कि हम इतना अच्छा तैयार हुए हैं और एक फ़ोटो ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज भी जाने से पहले राफे ने, हमारा ग्रैंड सन है, उसने हमारी कुछ स्टिल्स बनाई हैं जो इसमें शामिल होंगी, और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी चूड़ थाई रेस्टोरेंट में। चूड़ का नाम बड़ा अजीब सा लगता है, पिंडी में एक जगह है जिसका नाम चूड़ है, तो पता नहीं थाई जबान में इसका क्या मतलब होगा। तो जनाब जी आज मैं आपको वहाँ लेके चल रही हूँ लंच में, देखिए क्या होता है। जी हम जा रहे हैं एक लंच पे, कोई थाई रेस्टोरेंट है उसमें, और एक न्यूली वेड्स हैं, शादी हुई है 2 बच्चों की, तो उनको आज उनके ऑनर में लंच दिया जा रहा है, और हम यहाँ मेहमान आए हैं, हमें भी इनवाइट किया गया है। जी ये है ग्रैंड रेस्टोरेंट। तो शादी किधर हुई थी, शेपर्टन में या यहाँ इधर मेलबर्न में? अच्छा, एक ही रिसेप्शन थी वो मेलबर्न में। अच्छा, ये तो इंडियन रेस्टोरेंट है। बेटा जो सुनील सुनील और वो भी आए होंगे, उनका फोन आया था। सुनील और वीना, वीना नाम है ना? हाँ वीना, वो फेसबुक पे भी है मेरे। बड़ी ये है चूड़ थाई रेस्टोरेंट का नाम, और ये थाईलैंड की ही इसमें सोविनियर्स रखी हुई हैं, और जो लोग इनवाइटेड हैं वो नए दूल्हा दुल्हन के ऑनर में। पाकिस्तान के फ्लैग के कलर वाइट एंड ग्रीन। और थाई रेस्टोरेंट में कोई 80 के करीब लोग इनवाइटेड हैं इस लंच पे, ठीक है। तो भी अच्छे कैमरे से अच्छे नहीं नहीं उनका अपना कैमरा है। अच्छा मैं तो ये आपकी ये बना रहा था, बाकी तो आप सेल्फी टेबल है दूल्हा दुल्हन के लिए,
और हमें ऑनर दिया जा रहा है उनके साथ बैठने का कि हम इस टेबल पर बैठे। मेहमान आ रहे हैं और सब एक दूसरे से हग कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे और इसकी रूल वहाँ है डॉक्टर शोभिया, इन सब को इकट्ठा करने में सारा कमाल इसका है। ये है जी दूल्हा दुल्हन और इनके ऑनर में आज ये सारा लंच हो रहा है जिसमें हम इनवाइटेड हैं। दूल्हा की अम्मी अबू से भी हम वाकिफ हैं, मुलाकात हो चुकी हुई है पहले भी और दुल्हन की भी। डॉक्टर शोभिया, दूल्हा दुल्हन दोनों के पेरेंट्स के ना हमारे अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि पहले भी हम काफी पा रहे थे। छोटी सी थी ये बच्ची जब पहली दफा से हमने देखा था। ये दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट के साथ सब लोग अपनी विशेष लिख के दे रहे हैं और ये कॉपी अब मेरे पास आई है, मैं देखती हूँ। अच्छा, ये दूल्हा दुल्हन है और इनको तोहफे के साथ ये विशेष के मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं। ये जी मैंने भी उनको विश कर दी है, एक गिफ्ट के साथ उनको विश दी जाएगी। ये स्टार्टर के तौर पर आया है पहला, ये जनाब जी मेहमान आ रहे हैं, ये दुल्हन की अम्मी है। ये जब नई नई यहाँ पे आई थी तो छोटी सी थी ये बच्ची, ये बल सारी सज गई है और ये यंगस्टर का ग्रुप है। दूल्हा दुल्हन के काटने लगे हैं जी, दुल्हन के पेरेंट्स भी यहाँ हैं और दूल्हा के पेरेंट्स भी यही हैं। इसके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं और दुल्हन के पेरेंट्स तो हम पिछली दफ़ा आए थे तो उनसे मुलाकात हुई। ये सीमा है, डॉक्टर सीमा, और बेटा है इनका। वाओ, केक बड़ा जबरदस्त है जी। ये दुल्हन की अम्मी और वो दूल्हा की अम्मी, और दोनों की मदर्स की सेम फ्रेंड्स हैं। ये सब
सब फ्रेंड्स का ग्रुप फोटो। ये अब्दुल्ला के अम्मी अब्बा डॉक्टर अब्दुल्ला और डॉक्टर सीमा। यहाँ की पॉलिटिक्स में भी कुछ हैं क्या है ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा था एक दफा पॉलिटिक्स में भी है सीमा जो है। मैं तो फुल हो गई हूँ पहली डिश से। तो क्या क्या मीठे खा रहे हैं, मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ, मैं ये डिजर्ट लेके आई हूँ जबकि वहाँ बेशुमार डिजर्ट हो रहे हैं। ब्यूटीफुल आइडिया, दूल्हा दुल्हन के लिए विश का इन्होंने बनाया है। ये सब लोगों ने इनके लिए विशेष लिखी है। और सब लोगों ने अपनी अपनी विशेष लिखी है दूल्हा दुल्हन के लिए। गुड आइडिया। इट वॉज योर आइडिया। फ्रेंड्स हो गई है ना, तो आप मिल के दावत रखे थे। नाइस, वेरी नाइस।